नवनिर्माण कार्य के दौरान पुराना मकान गिरा, एक की मौत एक घायल। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां चेतगंज थाना क्षेत्र के बाग बरियार सिंह मोहल्ले में बुधवार को पुराने मकान के निर्माण के दौरान अचानक मकान ढह जाने से मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर को मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि मोहल्ले में स्वर्गीय तारा प्रसाद की पत्नी गायत्री देवी का पुराना मकान बनाने के लिए मिस्त्री व मजदूर लगे थे। अचानक मकान का हिस्सा ढह गया, इसके मलबे में चौबेपुर निवासी आजाद और विजय नामक मजदूर दब गए। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे, लोगों के प्रयास से मजदूरों को मलबे से निकाला गया। सूचना पर एसपी चेतगंज शिवा सिंह सहयोगियों के साथ पहुंची पुलिस ने एक बेहोश मजदूर का प्राथमिक उपचार मौके पर किया, लेकिन वह होश में नहीं आ सका। बाद में दोनों मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने 35 वर्षीय विजय को मृत घोषित कर दिया। मैं डॉक्टर वीके सिंह, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी। सर, अभी दो जो घटना हुई है, जो मकान गिरने की, कितने लोग यहाँ पे हैं और क्या क्या कंडीशन है? एक विजय राजभर, पुत्र सुखू राजभर, ये मृत अवस्था में लाया गया था। देखने से लगता है कि दब के उसकी मृत्यु हुई है। बॉडी को लाशघर में बंद करा दिया गया है और पुलिस को सूचना भी दी गई है, पुलिस द्वारा ही ले आया गया था। और एक दूसरा व्यक्ति आज़ाद राजभर, सर में हल्की चोट है, जो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। कैसी कंडीशन है उसकी? तो हालत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये राजापुर थाना चौबेपुर के लिए प्रथम दृष्टया देखने से तो लगता है कि दबकर मौतें हुई हैं, सांस रुक जाने से या दबा हुआ, बाकी पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा। छेदगंज इलाके में एक घर का जो रेनोवेशन हो रहा था, उसमें ये मजदूर, दो मजदूर काम कर रहे थे। ये छोलापुर राजापुर के रहने वाले हैं और छत दबने के कारण ये अंदर फंस गए थे। उनको तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया, एक यहाँ आते ही ब्रॉड डेड डॉक्टर ने घोषित किया, दूसरे का इलाज चल रहा है। वो जांच का विषय है, पहले हमने ये कोशिश किया कि इनका पहले ट्रीटमेंट और उसकी भी कुछ जाँच होगी, उन्होंने क्या सारे पिताजन किए हैं कि नहीं, इसके बारे में जांच करेंगे। पहले इनकी इलाज पे हम रोक राजापुर सोना वो हम टीम को लगाए हैं, अभी इसका जो भी पहले उनका ट्रीटमेंट और उसको देख लेते हैं, और बाकी जो भी सरकारी स्कीम में अनुमान है उसको पूरा करें। आगजनी से हुई मां बेटी के मौत के प्रकरण में कांग्रेस का राज्यपाल को पत्र। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां कानपुर देहात के मडौली गांव में प्रशासन के उपस्थिति में आगजनी से हुई मां बेटी की मौत व गंभीर रूप से घायल पिता के प्रकरण में बुधवार की सुबह कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार उर्फ राजू राम के अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल से संबोधित पत्रक पिंडरा उप जिला अधिकारी अंकिता दीक्षित को सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल से मांग किया कि इस मामले में गुनाहगारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और गुनाहगारों को फांसी के फंडे पर लटकाया जाए। देखिए ये रिपोर्ट, वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश स्टेट मीडिया न्यूज। सर, पहले आप अपना परिचय दें। मैं कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष जी, सीसी सदस्य राजीव कुमार राजू राम। आज किस प्रकरण में आपको जिला उप अधिकारी के महोदय से मुलाकात करना पड़ा? आज हम लोग पिंडरा तहसील में इसलिए आए हैं कि जो कानपुर में एक ब्राह्मण जो परिवार एक झोपड़ी लगाकर गरीब जी गांव सभा की जमीन पर बसे हुए थे, वो अकेले नहीं थे, और लोग भी हैं उसमें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं वो अकेले थे जी। उस झोपड़ी को बुलडोजर नाथ आदित्यनाथ योगी के बुलडोजर ने, उनके शासन प्रशासन के लोगों ने उस झोपड़ी को गिराने का काम किया, जिसमें जिससे लगी आग से माँ बेटी की उसमें जलकर मौत हो जाती है। सबसे दुख की बात है कि वहाँ शासन प्रशासन की मौजूदगी में ऐसी घटना हुई, और घटना होते जब हो रही थी उस वक्त ये लोग जो है कि वहाँ से अपनी अपनी गाड़ी छोड़कर वहाँ से भाग गए। ये बड़ी दुख की बात है कि शासन प्रशासन क्यों भागा, ये बहुत अति
ये लोग एकदम जरा सा भी इनके अंदर जो है कि भाव नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इसकी सीबीआई जांच हो, उन दोषियों के ऊपर जो एफआईआर हुआ है उन दोषियों को जो है गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल में डाला जाए। और हम ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से कहेंगे कि जो भूमिहीन है, अगर गांव सभा की जमीन में कहीं भी बसे हैं तो उनको अवैध के नाम पर उनको घर गिराया न जाए, उनको बेदखल न किया जाए, क्योंकि उनके पास जमीन अगर होती तो अपने चक में बनाते, अपने जमीन में बनाते। जैसा कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कहती आ रही है कि उत्तर प्रदेश अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त हो चुकी है, इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? अरे भैया, बड़े भाई हैं आप, उठाकर पेपर देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं हो जिस जिले में, प्रदेश की बात छोड़िए, जिले की बात करते हैं कि हर जिले में जो है कि चैन छिनैती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके अस्मत को लूटा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है। ऐसी यह सरकार है जो, अगर योगी सरकार दावा कर रही है तो झूठा है।